वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को मोदी सरकार का नवा बजट पेश किया। इसमें उन्होंने कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया, वहीं कई तरह के पुराने शुल्कों को हटाने का भी ऐलान किया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का ये आखिरी पूर्ण बजट होगा, इसीलिए सरकार ने आम जनता को लुभाने की भी पूरी कोशिश की। बजट में सबसे बड़ी हाईलाइट इनकम टैक्स स्लैब की रही, वो भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए कि आखिर बजट में क्या क्या खास था। वित्त मंत्री ने कहा कि कस्टम ड्यूटी सेस सरचार्ज दर में बदलाव किया गया है। खिलौनों पर लगने वाले सीमा शुल्क को घटाकर 13% किया गया है, यानी कि खिलौने अब सस्ते होंगे। लिथियम आयरन बैटरी पर भी कस्टम ड्यूटी में राहत दी गई है। टेलीविजन पैनल में आयात शुल्क 2.5% कर दिया गया है। जो सामान सस्ते होंगे वो भी जान लीजिए, खिलौने, साइकिल, मोबाइल फोन, मोबाइल कैमरा लेंस, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, लिथियम बैटरी, LED टेलीविजन, बायोगैस से जुड़ी चीजें। सिगरेट पर आकस्मिकता शुल्क को 16% बढ़ा दिया गया है। जो सामान महंगे होंगे वो भी जान लीजिए, सोना, प्लेटिनम, विदेशी चांदी, हीरे, सिगरेट, पीतल, विदेशी खिलौने, कपड़े, हीटिंग कॉइल्स, एक्सरे मशीन। इसके अलावा बजट में मिडिल क्लास को राहत देने के लिए भी कोशिश की गई। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की। अब 7 लाख रुपए की सालाना आय तक कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। Those with income up to 5 lakh do not pay any income tax in both old and new regimes. I propose to increase the rebate limit to 7 lakhs in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime with income up to 7 lakhs will not have to pay any tax at all. The second proposal relates to middle-class individuals. I had introduced in the year 2020 the new personal income tax regime with 6 income slabs starting from 2.5 lakh. I propose to change the tax structure in this regime by reducing the number of slabs to 5 and increasing the tax exemption limit to 3 lakhs. The new tax rates are 0 to 3 lakh, nil. 3 to 6 lakhs, 5%. 6 to 9 lakhs, 10%. 9 to 12 lakh, 15%. 12 to 15 lakhs, 20%. And above 15 lakhs, 30%. This will provide major relief to all taxpayers in the new regime. An individual. नए टैक्स स्लैब में 3 लाख रुपए तक शून्य टैक्स होगा, 3 से 6 लाख तक 5%, 6 से 9 लाख तक 10%, 9 से 12 लाख तक 15%, 12 से 15 लाख तक 20%, 15 लाख से ऊपर 30% टैक्स। वहीं इस बजट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। उत्तराखंड बीजेपी के प्रवक्ता मनवीर चौहान का कहना है कि ये बजट सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट है। इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी का कहना है कि ये बजट अमीरों का बजट है, गरीबों का नहीं। इसमें बेरोजगारी, महंगाई को लेकर कोई भी खास प्लान नजर नहीं आता। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उत्तराखंड के लिए इस बजट में क्या सौगात है, ये बीजेपी का कोई नेता बता नहीं पा रहा। श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के ने जो बजट प्रस्तुत किया है वो सर्वस्पर्शी और सर्वव्यापी बजट प्रस्तुत किया गया है, और निश्चित रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस बजट से जिस प्रकार से गरीबों के कल्याण का ध्यान रखा गया है, इसी प्रकार से जो पहली बार मध्यम वर्ग के लोगों को जो कर स्लैब सिस्टम जो बदला गया है उससे मध्यम वर्ग के लोगों को बहुत राहत मिलने वाली है, और इस बजट से हम निश्चित रूप से ये कह सकते हैं हमारा देश समृद्धशाली देश होगा, और विश्व में इस बजट से निश्चित रूप से विश्व में हमारे देश का मान और सम्मान बढ़ने वाला है। देखिए, आज का जो बजट निर्मला सीतारमण जी के द्वारा संसद में रखा गया वो सिर्फ और सिर्फ अमीरों का बजट है। गरीबों के लिए इसमें कोई राहत कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं पड़ती। महंगाई से कोई राहत नहीं है, रसोई गैस में कोई राहत नहीं है, कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार गिर रहा है लेकिन देशवासियों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में राहत नहीं मिल रही है। टैक्स स्लैब से जिस तरह की उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर वो खरा नहीं उतरा है, और बेरोजगारी को लेकर भी इसमें कोई बड़ी आउट ऑफ
ऑफ बॉक्स कोई योजना दिखाई नहीं पड़ती। ऐसे में उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड के भाजपा के नेता इसे सर्वसमावेशी बजट कह रहे हैं, लेकिन वो बता नहीं पा रहे कि आखिर इस बजट में उत्तराखंड के लिए सौगात कौन सी है, तोहफे में क्या मिला है, क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी थी। हिमालयी राज्यों की अपनी अलग दिक्कतें परेशानियाँ होती हैं, भौगोलिक विषमताओं के चलते हमारा चोली दामन का साथ होता है आपदाओं के साथ, और जोशीमठ आपदा जब आप आज राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना हुआ है, ऐसे में भी उत्तराखंड जैसे राज्यों के प्रति संवेदनशीलता अख्तियार नहीं की गई है। हमें दरकार थी एक केंद्रीय संस्थान की जो अध्ययन करे कि क्यों भूधसाव होता है, क्यों भूस्खलन होता है, क्यों अतिवृष्टि ओलावृष्टि से हमारा नुकसान होता है, और उस अध्ययन के आधार पर राज्य सरकारों को समाधान बताए, उपाय बताए, उपचार बताए। ब्यूरो रिपोर्ट, संवाद 365।